जगह मोगली मिल जाते हैं देखो इसका नाम पता क्या है गुलाबो गाइस। तो हम जा रहे हैं नैना देवी है ना मम्मी, कैसे लग रहा है बाहर का मौसम? बारिश हो रही है गाइस, देख रहे हो नजारा पहाड़ों पर, इतनी ऊंचाई पर दोस्तों आ चुके हैं, मम्मी साथ में है। तो हेलो गाइस, बारिश हो गई है, मुझे मुंह पे लग रही है, बड़ा मजा आ रहा है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु मनी वर्ल्ड। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस न्यू वीडियो में। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं नैना देवी मंदिर, और हमारा अभी हम आए हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, बस से आए थे यहाँ पर, और बड़ा मजा आ रहा है। तो जैसे वैष्णो देवी जी की माता की चढ़ाई होती है, उसी तरीके से यहाँ पे चढ़ाई होती है। तो मम्मी साहब देखिए नजारा, कितना प्यारा नजारा दोस्तों आ रखा है, और मैंने यहाँ फोटोज खिंचाई, बड़ी अच्छी फोटोज आई दोस्तों। तो देख रहे हो बादल कितने मस्त लग रहे हैं यहाँ पर, और मौसम देखिए गाइस। तो मम्मी जा रही है ऊपर, तो मैं भी चलता हूँ गाइस। गाइस तो थोड़ी चढ़ाई रह गई है और मम्मी थक चुकी है, और गाइस सामने व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू है दोस्तों, देख सकते हो आप। और ठंड वाला मौसम हो चुका है गाइस देखिए। और मम्मी फोटो क्लिक करवानी है, मैं फोटो क्लिक करते आते हैं मम्मी के अंदर, बाकी मौसम देखो इतना प्यारा हो रहा है। तो मम्मी कैसा लगा ऊपर चढ़ के? थक गए गाइस, यहाँ पे नजारे बड़े अच्छे हैं। और जब दोस्तों यहाँ बस से पहुंचे थे ना, तुम्हारे और भी जो सवारी थे, जो लड़के जा रहे थे, तो वो बोल रहे थे, तो वो पैदल गए हमारी तरह, वो भी आगे पहुंच गए लड़के थे, क्योंकि मुझे मम्मी थी इसलिए मैं जा नहीं पाया, साथ चल रहा था। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर नजारों के मजे लेने हैं ना, तो इसमें चले जाओ। बाकी 30 रुपए में टैक्सी भी थी, मम्मी कह रही हम टैक्सी में चल रहे, सही रहता। और यार नजारे अच्छे देखने को मिल गए, पास में है या दूर नहीं है। तो मम्मी कोई नहीं, जमाते एक नाम लो, चलते रहो, हो जाएगा। बोझ गया, हल्का सा रह गया बस, कितनी ऊंचाई है देख सकते हो भाई साहब, कितना ऊपर। सबसे कहते हैं सबसे बड़ी जो मतलब वो है ना ऊंचाई, मतलब इन माताओं में हिमाचल में, तो नैना देवी सबसे ऊंचे पे बना हुआ चोटी पे। गाइस देख रहे हो, मैंने बंदर के लिए वहां प्रसाद डाला, प्रसाद खाने लगा, ठंड लग रही है बंदरों को भी, देख सकते हो भाई साहब। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ, देख सकते हो। अबे दर्शन हो गए? हाँ जी हाँ, बढ़िया। मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ऐसे यहाँ पे बर्फ भी गिरती है कहते हैं थोड़े टाइम में। मजा रहने जयकारा नैना देवी का, बोल साचे दरबार की जय माता रानी। गाइस देखिए माता का भवन कितना, यहाँ पेड़ है गाइस, देखो हर जगह जितने मंदिर गए वहाँ पे पेड़ मिला गाइस। और देखिए गाइस कितना अद्भुत नजारा हो रहा है गाइस, मेरे को दिन की फील ऐसा आ रहा है कि बर्फ गिर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठंडा मौसम बहुत हो रहा है, देख सकते हो गाइस माता रानी के दर्शन, हवन हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। देखिए यहाँ से गाइस देखिए, आपको यहाँ से मैं दिखाता हूँ गाइस, देखिए पीछे कितनी ऊंचाई पर है माता का मंदिर, ऐसे सकते हो। और यहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं, जय हनुमान जी, कैसे प्राचीन काल के मंदिर बने हुए हैं, देख सकते हो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ओए होए छक्कू गाइस देखिए, भाई जो कितनी ठंड हो चुकी है यहाँ पर। माता रानी जय, मेरी माँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, माता का जय माँ, जय माता रानी, भाई से किया जय माँ, जय मेरी माँ, वैसे इसी तरीके से भरा हुआ मंदिर।
नमस्ते मेरे हनुमान जी। शीशो का काम हो रखा है पूरा। कैसे बारिश बहुत हो गया। आ रहा हूँ मम्मी। कैसे देखे छह माह कैसे देख सको कितना अच्छा। कैसे बादल है, बादल वाली फीलिंग आ रही है। मतलब बादल बादल हो रखे हैं यहाँ पूरे हर जगह। बादलों से भी ऊपर है माता के शेर। एक बार मम्मी रुकना, जय माँ। कैसे मंदिर की ऊंचाई से गाइस ये यहाँ से देखिए नजारा। गाइस कितना प्यारा नजारा है। सीरियसली गाइस माँ नैना देवी बड़ा दर्शन करके मजा आ गया। गाइस देखिए माता का झंडा। गाइस देखिए यहाँ से नजारा। गाइस तो हम गलत जगह से निकल गए थे तो पर रास्ता मिल गया। ये सीढ़ी वाला रास्ता मिला है। मुझे अंधेरा बहुत हो चुका है। बस देख रहे हो पहाड़ों पर। मम्मी आराम से चलना क्योंकि ना फिसलन हो रही है। और दोस्तों बहुत अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। तो कैमरा साफ कर लो। इस मुंह पे बुछारे पड़ रही है। बस अड्डा हो गया तो 7 बजे की बस। मम्मी 7 बजे की बस उतारता हूँ अभी। मम्मी टाइम देख लो अभी 6 बजे बजे। जब हम यहाँ से आए थे ग्रीन शेड लगी हुई है ना यहाँ से आए थे। ये रास्ता लगे ये गांव वालों का रास्ता लग रहा है। सो गाइस ये है गांव वालों का रास्ता और यहाँ से हम उतर रहे हैं। बस कभी भी नैना देवी अगर आप आ रहे हो ना तो आपको फ्री बता रहा हूँ। जो हुआ है आपने अगर आपको टैक्सी मिलती है ना वहाँ से तो 30 रुपये मिल जाएगा। वो टैक्सी वाला पैसेंजर बैठा के तो आपको बता देगा वहाँ से पास पड़ेगा। जब आप उतरने आओ ना तो अगर आपको टैक्सी अगर बारिश का मौसम ना हो सही मौसम उतर जाना क्योंकि बारिश में यहाँ पे शेड नहीं होती और उस तरफ शेड होती है तो बारिश में बंदा बचाव रहता है। तो इसे ध्यान रखना आप भी। बाकी ये देखिए गाइस नजारा यहाँ से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा दोस्तों सॉरी उसके लिए।